ऐसा बैठ के गमु जी बाल बच्चा सब आक्रोश कह रहा कोई देखना कोई देखे वाला नहीं कोई नहीं देखे वाला ने विधायक कोनो अच्छी जावे जे मुखिया सरपंच कोई नहीं देखे वाला कोसी में बाढ़ की मार कई दशकों से लोग झेलते आ रहे हैं। कभी पानी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगती है तो कभी पानी का जलस्तर घटने के बाद कटाव तेज हो जाता है। कटाव तेज होने से न केवल लोगों को परेशानी होती है बल्कि लोगों का बना बनाया आशियाना भी नदी में समा जाता है। इस दरमियान बाढ़ पीड़ितों के बीच सबसे बड़ी मुसीबत रहने के साथ खाने पीने की हो जाती है। दरअसल सहरसा जिले के नौबट्टा प्रखंड के कोसी तटबंध के भीतर बसे कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। तस्वीर सहरसा जिले के नौबट्टा प्रखंड के केदली पंचायत की है। यह पंचायत पानी से घिरा हुआ है, चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। उफलते पानी का वो खौफनाक आवाज सुन हर कोई डर जाता है, मानो अपनी जान हथेली में रखकर लोग इलाके में रह रहे हैं। तस्वीर नौबट्टा प्रखंड के केदली पंचायत के रामपुर इलाके की है। स्थानीय गांगी यादव मीडिया के कैमरे के सामने रोड़ों कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं, रोड़ों कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनका ये आंसू इस बात का गवाह है कि उनका दर्द कम नहीं है। वे बताते हैं कि 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, चारों ओर पानी ही पानी है, हर दिन कटाव तेज होता जा रहा है, जिस वजह से बना बनाया आसियानों को उजाड़ कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। सरकार के तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, ना ही सूद लेने वाला कोई है, अभी तक राहत सामग्री भी नहीं दिया गया है। स्थिति छे यहाँ के अभी एठमा हमरा के कोई देखनहार नहीं छे, ने सरकारी कोनो बात ने विचार हमें तो नहीं बुझे छे ओती वाला, लेकिन एठमा बैठ के गमु जी बाल बच्चा सब आक्रोश कह रहा छे कोई देखनहार कोई देखे वाला नहीं कोई नहीं देखे वाला छे ने विधायक कोनो अच्छी जावे छे मुखिया सरपंच कोई नहीं देखे वाला। रात कैसे गुजरे छे फिर? हां रात के रात जागल रह छे एकदम अधिक कथि ले कोई 3 3 खाए पिए कैसे छे? कोनो साधन नहीं, दुकान और से चूड़ा तूड़ा किन के देखे छे, कतो साधन छे करे वाला नहीं, हम तो नजर से देखे। फिर बच्चा सब भूखल भूखल रह जाए तो चूड़ा और अथी और मुढ़ी और चूड़ा रैन के दे छे तो अपन बार खड़ी छे रहे छे एहन नमवत छे। अभी सामान लेके कहाँ जा रहे छे अहाँ सब? किन ले जा रहल छी वही पार बांध है। कितना घर लगभग प्रभावित छे, कितना घर कटल छे अभी? लगभग 17-18 वो घर के लगभग रात भर और कटते जा रहे छे। हाँ रात दिन कटते रहे छे, देखे नहीं छे केना रुबुल छे। कोन इलाका छे बाबा ये? रामपुर पंचायत केरली प्रखंड नौबट्टा। की नाम भेले अहाँ के? गांगी यादव। कोई कनहा में देने छे त को देखे छे घर कटे छे, कोनो आशा नहीं छे, कोनो द्वारा नहीं छे, कतो रहे के बास नहीं छे, भर रात किलोल करत रहे छे। आ क्या दिन 3 दिन से सब भूखले प्यासले छे। 3 दिन से भूखल छे सब? 3 दिन से भूखल प्यासल छे, भर रात जागल किलोल करत रहे छे। सरकार तरफ से कोनो राहत नहीं मिले छे, कोनो चीज नहीं दे सके छे। एक कोस कनहा में मर रहल छे, कोनो चीज नहीं, साले साल कटिन मिले छे, साले साल बपरहर तोड़त रहे छे, कोनो आशा नहीं छे, कोनो द्वारा नहीं मिल रहले, ने लाह छे ने बांस छे ने कोनो चीज छे। कटनिया एकदम छिरपिटा रहलिए ये, भर रात किलोल करत रहे छे, लोग अर कहाक दैत रहे छे, कोई आशा नहीं छे, बपरहर तोड़त रहे छे। आ 3 दिन से सब बाल बच्चा भूखे मरे छे। 3 दिन से सब भूखले छे? बाल बच्चा भूखले छे, बाल बच्चा को कुछ राहत नहीं मिल रहले, घर द्वार से भैंस गले सबटा, जतेक रहे सबटा भैंस गले राती राती में। की नाम भेले सर जी अहाँ के? की नाम भेल अहाँ के? फुलिया देवी।
यहाँ से यहाँ तो हम लोग 1997 से देख रहे हैं, हर साल 400, 500, 150, 200, 100 घर कटता है। सरकार के तरफ से हम लोगों को कभी सरकार इसका सूद नहीं लेती है और न कुछ हम लोगों को देती है सरकार। नाव के बारे में कहते हैं तो नाव भी समय से नहीं मिलता है, जबकि हम लोगों को 1000-1500 रुपया यहाँ के लोगों को भाड़ा करके नाव से सामान इस पार से उस पार करना, हर साल यही स्थिति है। अभी हम लोग नाव के लिए एडीएम आपदा एडीएम सीओ सबको बोले, वो लोग नाव नहीं दिए, तब हम एक नाव राजेश्वर मुखिया का लाए हैं, उसके बाद सीओ साहब राजेश्वर मुखिया को बोले आप जाइए नाव वहाँ चलने दीजिए। राहत सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है, खान पान की, खाने पीने का सामान भी लाया जाता है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन से भूखे हुए हैं। तो आप स्थिति देख लीजिए ना, घर का क्या स्थिति है, खाना बनाने का है, कहीं खाना बनाने वाला जगह नहीं है, लोग पानी में अपना घर ले जाके रखा है, खाना कहाँ बनाएगा लोग, लोग कहीं चूड़ा लेके दाल बूट लेके खाता है, दिन दिन भर भर दिन भूखा रहता है, रात को कुछ चूड़ा दाल बूट लेके खाता है, ये स्थिति है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हम लोगों को। कौन सा इलाका है मुखिया जी? ये ग्राम पंचायत केदली में रामपुर है। क्या नाम हुआ मुखिया जी आपका? हमारा नाम हुआ प्रभाकर कुमार।